हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं बर्मास्टिक। और आज इस वीडियो में फ्लिपकार्ट में इनएक्टिव हुए अकाउंट को एक्टिव करेंगे। सबसे पहले फ्लिपकार्ट जो ऐप खोलेंगे और थ्री डॉट्स जैसा दिख रहा है उसको खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और माय अकाउंट में जाएंगे। और माय अकाउंट में जाने के बाद इसके बाद अपना नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी जो डीएक्टिवेट हो गया है। मेरा नंबर है, ये डीएक्टिवेट हो गया तो उसको मैं डालता हूँ। पहले दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इस पर ओटीपी आएगा। देखिए ओटीपी आ गया, पर इसके नीचे कुछ लिखेगा, अकाउंट इनएक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट टू एक्टिवेट। तो हमको कस्टमर केयर को फ़ोन नहीं करना है, बैक आ जाना है और गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, उसमें आपको फ्लिपकार्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसको ओपन करना है। मैं सर्च कर लेता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद इसको हम लोग को डेस्कटॉप साइट मोड में ले लेना है। देखिए डेस्कटॉप साइट, जिससे कंप्यूटर जैसा ये हो जाएगा। देखिए मेरा डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। तो अगर आपका नहीं आता है तो इसे मैं अभी काट देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कहाँ से लॉगिन करना है। देखिए वहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना नंबर डालिए और नंबर डालने के बाद यहाँ पर फॉरगॉट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी का हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए आ गया है, उसे हम डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड एक सेट कर लीजिए कोई भी। और इसके बाद देखिए रीएक्टिव का नीचे ऑप्शन आ रहा था, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब फिर से यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ और उस ऐप में जाकर मैं लॉगिन करता हूँ। तीन ठो लाइन वाला पर क्लिक कीजिए, माय अकाउंट में जाना है और इसमें अपना नंबर डाल लेना है। देखिए इस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी का मैं वेट कर लेता हूँ। देखिए आ गया ओटीपी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। ये देखिए मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।